बच्चों, मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो मैं इसमें जो भी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो भी टाइप्स एक्सप्लेन करूँगा, वो मैं TS ग्रेवाल बुक के एडिशन 2022 के क्वेश्चन को यूज़ करके एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है बच्चों, तो मैं उसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ और यही हमारी पहली टाइप भी होगी बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये जो टॉपिक है बच्चों, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप चाहे कोई छोटा क्वेश्चन करें चाहे कोई बड़ा क्वेश्चन करें रिलेटेड टू एडमिशन, वहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, ये सारे ही रेशियो जो है किसी ना किसी फॉर्म में यूज होते ही होते हैं। तो इसलिए आपको इन क्वेश्चंस को आना बहुत जरूरी है अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर पे अपनी ग्रिप बनानी है। तो ठीक है बच्चों, तो आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 फॉर कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बुक है TS ग्रेवाल, एडिशन है 2022, चैप्टर का नाम एडमिशन ऑफ पार्टनर, आप जान ही रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है बच्चों, आपको 3 पार्टनर्स पुराने दे रखे हैं, राज, राम और रमेश, इनका आपस का रेशियो 5:3:2 है। सुरेश आया है 1/5 शेयर के लिए और आपसे कहा गया नया रेशियो निकालिए। ये सबसे पहली टाइप और सबसे आसान टाइप है और सबसे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन जो होते हैं उनमें फॉलो की जाने वाली टाइप है बच्चों ये। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, इसकी पहचान ये है कि यहाँ पे ना नया पार्टनर पुराने से कुछ मांग रहा है ना ही पुराने नए को कुछ दे रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जाता है कि जो भी शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर है वो फर्म के द्वारा उसको दिया जा रहा है, या ये कह लीजिए कि सारे पार्टनर्स उसके लिए अपने पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से किया जाता है बच्चों। पहले लिखिए टोटल प्रॉफिट शेयर या सिंपल टोटल शेयर लिख लीजिए, उसको 1 मान लीजिए। ठीक है बच्चों, फिर निकालिए रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए बच्चों 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर देते हैं, तो रिमेनिंग शेयर आ गया 4/5। ठीक है बच्चों, तो ये आपको निकालना आ गया रिमेनिंग शेयर। अब ये रिमेनिंग शेयर जो है वो राज, राम और रमेश को बिलोंग करता है। पहले टोटल शेयर उनका था मगर नए पार्टनर के आने से 1/5 शेयर कम हो गया उनके लिए, तो अब उनके लिए बचा है केवल 4/5 शेयर, जिसको वो आपस में अपने इसी रेशियो में बांट लेंगे, तो इनसे इनका नया शेयर आ जाएगा राज, राम और रमेश का। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर होगी बच्चों। तो अगर आपको राज का नया शेयर निकालना है तो राज का नया शेयर आएगा 4/5 बचा था, तो 5/10 ऑफ 4/5 यानी कि 20/50। काट के इसको 2/5 भी कर सकते हैं बच्चों, बट इसको 20/50 रहने दीजिए, इसका फायदा आपको मिलेगा। फिर लिखिए राम का नया शेयर, थ्री बाय टेन ऑफ 4/5, क्योंकि नए पार्टनर को देने के बाद 4/5 शेयर बचा जिसको ये आपस में बांट लेंगे, तो ये हो जाएगा 12/50। और रमेश का नया शेयर निकालना है आपको, तो रमेश's न्यू शेयर इज इक्वल टू 2/10 ऑफ 4/5 यानी 8/50। तो राज, राम और रमेश के नए शेयर आ गए 20/50, 12/50 और 8/50। सुरेश का नया शेयर आपको पता है कितना है, वो है 1/5, जिसको हम लिख सकते हैं 10/50। तो इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया 20, 12, 8, 10। न्यू रेशियो आया 20, 12, 8 और 10, जिसको हम 10, 6,
4, 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नया रेशियो आया 20, 12, 8, 10, जिसको हम 10, 6, 4, 5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से राज, राम और रमेश का नया रेशियो, सॉरी राज, राम, रमेश और सुरेश सभी का नया रेशियो आ गया, क्योंकि नए रेशियो में नया पार्टनर को इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। ठीक है बच्चों, तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1 एज वेल एज योर टाइप 1, जहाँ पर नया पार्टनर पुराने पार्टनर से कुछ नहीं मांग रहा, ठीक है, डायरेक्टली कुछ नहीं मांग रहा, और ना ही पुराने पार्टनर डायरेक्टली उसे कुछ दे रहे हैं अपनी तरफ से। तो ऐसे में टोल शेयर को 1 मानिए, 1 में से नए पार्टनर के शेयर को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा उसको रिमेनिंग पार्टनर्स में बांट दीजिए उनके ओल्ड रेशियो में। ऐसा करने से उनका नया शेयर आ जाता है, और बस फिर सबके डिनोमिनेटर जो है नए शेयर कंपेयर करके नया रेशियो निकाल लीजिए, और नए रेशियो में नया पार्टनर भी इंक्लूड होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है बच्चों, तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1 एज वेल एज टाइप 1। अब देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। रवि और मुकेश पार्टनर हैं, रेशियो है इनका 7:3, और अशोक को बनाया गया 3:7 शेयर के लिए नया पार्टनर, जो कि इस बार क्लियरली बता रहा है कि उसे 2:7 शेयर रवि से चाहिए और 1:7 शेयर जो है वो मुकेश से चाहिए। तो अशोक का शेयर 3:7 है, वो 2:7 रवि से मांग रहा है और 1:7 जो है वो मुकेश से मांग रहा है। तो इसका मतलब ये टाइप क्वेश्चन 1 जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइप 1 में नया पार्टनर पुराने पार्टनर से कोई डायरेक्टली मांग नहीं रहा था, यहाँ तो नया पार्टनर डायरेक्टली बता रहा है कि मुझे रवि से कितना चाहिए और मुकेश से कितना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लीजिए। एक तरह से आपको रवि का सेक्रीफाइस क्लियरली दे रखा है 2:7 कि रवि एग्जैक्टली कितना देगा मुकेश अशोक को, उसी तरह से मुकेश का सेक्रीफाइस भी आपको एग्जैक्टली दे रखा है। नए पार्टनर ने एग्जैक्टली बता दिया उसे कितना चाहिए रवि से और कितना चाहिए मुकेश से। तो 2:1 इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया, ध्यान रखिएगा बच्चों, सेक्रीफाइस से सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाता है। लेकिन अगर इनका नया शेयर निकालना है रवि और मुकेश का, तो नया शेयर निकालने के लिए उनके ओल्ड शेयर में से जो कि 7/10 और 3/10 थे, उनके सेक्रीफाइस को माइनस करिएगा, ना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो को। इसमें बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे 2/3 माइनस करेंगे और 1/3 माइनस करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आपको 2/7 और 1/7 माइनस करना है। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट सेक्रीफाइस, नॉट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर बच्चों, टू फाइंड आउट द न्यू शेयर। तो रवि का नया शेयर आ गया 29/70, मुकेश का नया शेयर आ गया 11/70, अशोक का नया शेयर आपको पता है बच्चों, बस उसका डिनोमिनेटर 70 बनाना है, तो 3/7 है जिसे हम लिख सकते हैं 30/70। खुद देख लीजिए नया रेशियो क्या आएगा, 29:11:30। इस तरह से बच्चों इनका नया रेशियो भी आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका इजीली हो गया ना, है ना आसान क्वेश्चन। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ए और बी पार्टनर है, 7:5 का उनका पुराना रेशियो है, सी उनका मैनेजर है लेकिन अब उसको पार्टनर बना लिया गया 1/6 शेयर के लिए, और यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सी ने बता रखा है कि उसे एग्जैक्टली ए से कितना चाहिए और बी से कितना चाहिए। वो ए से मांग रहा है एग्जैक्टली 1/24 और बी से मांग रहा है एग्जैक्टली 1/8। आपसे क्या नया प्रॉफिट, आपसे कहा गया है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। तो ये भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 यानी टाइप 2 के जैसा ही है। ठीक है बच्चों, जहाँ पर नया पार्टनर एग्जैक्टली बता रहा है उसे कितना चाहिए फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। देखिए बच्चों, ए का सेक्रीफाइस 1/24, सी ने एग्जैक्टली ए से 1/24 मांगा है, बी का सेक्रीफाइस 1/8 है लेकिन मैंने उसको लिख लिया 3/24। देखिए क्या होता है कि जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर हमसे कोई कहे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो अब हम बता सकते हैं बड़े आराम से कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:3 है। कोई भी रेशियो निकालने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी होता है, दैट्स व्हाई मैंने 1/8 को 3/24 लिख लिया। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:3, मगर क्वेश्चन में हमसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं मांगा गया, हमसे मांगा गया है नया रेशियो। तो ए का नया शेयर क्या होगा देख लीजिए बच्चों, पुराना शेयर है उसका 7/12, उसमें से माइनस कर दीजिए 1/24। बी का नया शेयर निकालना है तो बी का पुराना शेयर है 5/12, उसमें से माइनस कर दीजिए 3/24। याद रखिएगा, जब भी नया शेयर रेशियो निकालना है या नया शेयर निकालना है
तो हमेशा ओल्ड शेयर में से न्यू सेक्रीफाइस को माइनस करना है, ना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो को। तो ए का नया शेयर आ गया 13/24, बी का नया शेयर आ गया 7/24, सी का नया शेयर आपको पता है 1/6, इसको हम लिख सकते हैं 4/24। तो इस तरह से बच्चों इनका नया रेशियो आ गया 13:7:4 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, न्यू रेशियो। और याद रखिएगा, नया शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस को माइनस करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को नहीं। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 7/4 की, तो एबीसी पार्टनर है 3:1 के रेशियो में, उन्होंने डी को पार्टनर बनाया 1/8 शेयर के लिए, वो 1/16 बी से मांग रहा है, 1/16 ही वो सी से मांग रहा है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के जैसा है, यानी टाइप नंबर 2 ही है। यहाँ पर जो है बस सेक्रीफाइस बी और सी कर रहे हैं, ए कोई सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा। ठीक है बच्चों, तो ए का नया शेयर वही रहेगा जो पहले था 3/6, बी का नया शेयर और सी का नया शेयर चेंज हो जाएगा, उनका सेक्रीफाइस माइनस करके आएगा नया शेयर, और डी का नया शेयर तो 1/8 है ही। ठीक है बच्चों, तो आइए देख लीजिए अब नया शेयर कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, बी का सेक्रीफाइस तो 1/16 है, सी का सेक्रीफाइस 1/16 है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो केवल बी और सी का ही निकलेगा 1:1। बट असली चीज़ तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना नहीं, सेक्रीफाइस वो है न्यू शेयर निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है। तो देखिए बच्चों, ए का नया शेयर 3/6 ही रहेगा क्योंकि उसने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया। बी का नया शेयर ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस करके आ जाएगा 13/48। सी का नया शेयर उसके पुराने शेयर में से उसका सेक्रीफाइस माइनस करके आ जाएगा 5/48। डी का नया शेयर 1/8 है, लेकिन अभी हम नया रेशियो नहीं निकाल सकते क्योंकि सबके डिनोमिनेटर बराबर नहीं है। तो सबके डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 6, 48 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, वो 48 ही होता है। तो 3/6 को हम ले सकते हैं 24/48 और 1/8 को ले सकते हैं 6/48। अब हम बता सकते हैं नया रेशियो क्या होगा, 24:13:5:8। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये भी टाइप 2 के अंदर ही आता है, जहां पर नया पार्टनर एग्जैक्टली बता रहा है उसे कितना चाहिए फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको भारती और आस्था दो पार्टनर दे रखे हैं, 3:2 का रेशियो है, दिन का आया 1/5 शेयर के लिए, विच इट टेक्स इक्वली फ्रॉम भारतीय नास्था। आपसे कहा गया नया रेशियो निकालिए। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक तरह से टाइप 2 ही है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में एग्जैक्टली बता रखा था नए पार्टनर ने कि मुझे पुराने पार्टनर से एग्जैक्टली कितना चाहिए। यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं बता रखा, लेकिन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो पुराने पार्टनर से एग्जैक्टली कितना ले रहा है। और वो कैसे आएगा, पहले ओरली समझ लीजिए, फिर रिटर्न में समझा दूंगा आपको। वो 1/5 शेयर जो उसका शेयर है उसको वो इक्वली मांग रहा है भारतीय और आस्था से। तो 1/5 का आधा होता है 1/10। ध्यान रखिएगा बच्चों, फ्रैक्शन में जब भी आधा करना हो तो डिनोमिनेटर को डबल कर देते हैं। तो 1/5 का आधा हो गया 1/10। 1/10 ही भारतीय देगी, 1/10 ही आस्था देगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जैसा ही हो गया। ठीक है बच्चों, तो भारतीय का सेक्रीफाइस हो गया जो हमें इस बार निकालना पड़ा दिन करके शेयर से मल्टीप्लाई करके, 1/10 आ गया। आस्था का सेक्रीफाइस हो गया दिनकर के शेयर का हाफ 1/10। मतलब अब हमारे सेक्रीफाइस मल्टीप्लाई करके निकालने पड़े, एग्जैक्ट नहीं दे रखे थे, लेकिन अब तो एग्जैक्ट मिल गए मल्टीप्लाई करने के बाद। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो 1:1 आ गया। अब भारती का नया शेयर निकालना है, तो उसके ओल्ड शेयर में से मैं उसका सेक्रीफाइस माइनस करूंगा 3/5 - 1/10, जो कि होता है 5/10। मुझे आस्था का नया शेयर चाहिए, तो मैं उसके ओल्ड शेयर में से उसका सेक्रीफाइस माइनस करूंगा, यानी कि 1/10, 2/5 - 1/10 ही आ जाएगा 3/10। और दिनकर का जो नया रेशियो है, नया शेयर है, वो तो हमें पता ही है बच्चों 1/5 है, इसे हम लिख सकते हैं 2/10। तो नया रेशियो आ गया 5:3:2। ठीक है बच्चों, तो नया रेशियो क्या आ गया, 5:3:2। हमने इनके सेक्रीफाइस को इनके पुराने शेयर में से माइनस कर दिया, सेक्रीफाइस दिनकर के शेयर का हाफ हाफ करना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा था वो अपना शेयर इक्वली मांग रहा है उन दोनों से। तो जैसे ही हमने इसे मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस निकाला, अब ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जैसा हो गया। बस ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए, नया शेयर आ जाएगा और सबके डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए नया रेशियो निकालने के लिए। तो दिनकर का नया शेयर 1/5 था जिसे मैंने 2/10 लिख लिया, तो नया रेशियो आ गया 5:3:2 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो मांगा नहीं है लेकिन वो आ गया 1:1। क्लियर बच्चों? मोहन और महेश पार्टनर हैं 3:2 के रेशियो में, नुसरत आई 1/4 शेयर के लिए,
ये क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। मोहन और महेश का रेशियो 3:2, नुसरत आई है 1/4 शेयर के लिए, जो उसने मोहन और महेश से 2:1 के रेशियो में एक्वायर किया है। तो डिसाइड यहाँ पे नया पार्टनर ही कर रहा है कि उसे क्या चाहिए फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, बट एग्जैक्टली नहीं दे रखा कि कितना चाहिए, वो हमें मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। तो इतना मुश्किल नहीं है। 1/4 का 2/3 होता है 2/12, और 1/4 का 1/3 होता है 1/12। इसका मतलब 2/12 देगी नुसरत और 1/12 देगी, सॉरी 2/12 देगा मोहन और 1/12 देगा महेश। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जैसा ही हो गया ये भी अब, और फिर बस सेक्रीफाइस माइनस करके नया शेयर निकाल लेंगे। तो आइए अब कर भी लेते हैं सॉल्यूशन को। तो देखिए बच्चों, मोहन का सेक्रीफाइस आ गया 2/3 ऑफ 1/4 यानी 2/12, और महेश का सेक्रीफाइस आ गया 1/3 ऑफ 1/4 यानी 1/12। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जैसा ही तो हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो दे ही रखा है 2:1। भाई यही तो पता करता है कि एग्जैक्टली कितना ले रहा है उन लोगों से नुसरत, तो वो 2/12 और 1/12 आ गया। अब इनके सेक्रीफाइस को माइनस करके नया शेयर निकाल लीजिए। तो मोहन का नया शेयर आ जाएगा, पुराना शेयर है इसका 3/5, माइनस कर देंगे 2/12, ये आ जाएगा 26/60। महेश का नया शेयर आएगा 2/5 माइनस 1/12 यानी कि 19/60, और नुसरत का नया शेयर आपको दे ही रखा है 1/4, जिसे हम ले सकते हैं 15/60। एक्चुअली क्या होता है कि नए पार्टनर के शेयर पता तो होता है, बट उसको डिनोमिनेटर को एडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो या अकॉर्डिंग टू द न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, तभी हम कंपैरिजन करके नया रेशियो बता सकते हैं। जैसे यहां पर आ गया 26:19:15। ठीक है बच्चों, तो मोहन का नया शेयर आ गया 26/60, महेश का आ गया 19/60, और नुसरत का नया शेयर 1/4 है, जिसे लिखना ही पड़ेगा 15/60, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे तो नया रेशियो नहीं आ सकता। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ले बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एस बी जे पार्टनर है, पुराना रेशियो देने रखा तो इक्वल मानिएगा, याद रखिएगा बच्चों। टी आया है 1/5 शेयर के लिए, और आपको आपसे मांगा गया है सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एस बी जे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, बच्चों इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 को या तो पहले टोटल शेयर 1 मान के, जैसे क्वेश्चन 1 में करा था बिल्कुल वैसे ही कर लीजिए, टी का शेयर माइनस कर दीजिए, बचेगा कितना 4/5, और 4/5 को एस बी जे में ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, तो उनके नए शेयर आ जाएंगे, और जब पार्टनर के नए शेयर आ जाएंगे तो न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस करके सेक्रीफाइस भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और दूसरा तरीका ये होता है जो मैं पहले करके दिखा रहा हूँ, कि आप लिखिए ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या करा यहाँ पर, एस का, बी का और जे का सेक्रीफाइस जो है ऐसे निकाल लिया, माना कि वो अपने पुराने रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ टी, दैट्स वाई। तो एस का सेक्रीफाइस आ गया 1/15, बी का सेक्रीफाइस आ गया 1/15, जे का सेक्रीफाइस आ गया 1/15। अब निकाल लीजिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 1:1:1 आ जाएगा, और यही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि आपसे कोई नया रेशियो तो मांगा नहीं गया, सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो मांगा गया है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो यही माना जाता है कि पार्टनर अपने पुराने रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो टी के शेयर का 1/3 एस देगा, 1/3 ई वाई बी देगा, 1/3 ई जे देगा। अगर दो लोग होते तो हाफ ऑफ देते, चार लोग होते तो 1/4 1/4 देते। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/15, 1/15 1/15 का रेशियो निकालिए, 1:1:1 आ गया, और क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया बच्चों। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक ही करते हैं, मेनली हमने दो ही टाइप कवर करी हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 7 तो एक जैसे ही हैं। ठीक है बच्चों, 7 तो कोई एक्चुअली टाइप ही नहीं है कोई, इतने आसान क्वेश्चन है वो। 2 से लेकर 6 तक लगभग सारे एक जैसे क्वेश्चन थे। 2, 3, 4 में सेक्रीफाइस डायरेक्टली दे रखा था, 5
5 और 6 में सेक्रीफाइस मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ा न्यू पार्टनर के शेयर से, और फिर बाद में वो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जैसा ही हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक ही रखते हैं ऑफ TS ग्रेवाल एडिशन 2022 चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। थैंक यू बच्चों।